मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो उठ चुके हैं हम और सुबह सुबह हम देख रहे थे सौरव के व्लॉग्स, सौरव जोशी के व्लॉग्स, क्योंकि वो भी पहाड़ से है और हम भी पहाड़ से हैं। सो थोड़ा सा कनेक्ट फील होता है उसके व्लॉग्स देखकर। और बाकी कुछ 10:30 बज रहे हैं, हम उठ चुके थे आज 9:30 बजे और ये रही मेरी चाय। और आज भी कुछ खास प्लान्स नहीं है, बट आज हम कुकिंग और बेकिंग करेंगे। कुकिंग में होगा शायद मटन राइस और बेकिंग में शायद मैं ब्राउनी बनाऊं, बट नॉट श्योर अबाउट इट। सो एवरीबॉडी, आप लोग मौसम देखो यार, बाहर मतलब कितना बढ़िया हो रहा है आज। सो बारिश हुई है एंड आज मेरी किचन से थोड़े टाइम के लिए छुट्टी है, क्योंकि आज खाना दीपक बना रहे हैं, आज बना रहे हैं वो मटन राइस। सो आपको दिखाती हूँ वो कैसे बना रहे हैं, लेट्स सी। सो गाइज, मटन में अभी सीटी बज रही है, मतलब सीटी लगनी है, और आज खाना ये साहब बना रहे हैं, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया। हम बारिश में नहाए यार, मतलब काफी मजे आए। डू यू वांट टू से समथिंग? हां, मतलब यार बारिश में नहाने का मजा अलग है, इतने टाइम बाद बारिश में नहाए, बचपन के दिन याद आते हैं। यस, और जैसे ही मटन राइस बनते हैं वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ गाइज के कैसे लगते हैं। सो गाइज, ये बन चुका है मटन राइस और काफी डिलीशियस। दीपक कुछ बोलना चाहोगे आप? बहुत ही अच्छा, मैं बोल के अपना स्वाद खराब नहीं करना चाहता। सो हम दोनों का ही फेवरेट मटन राइस, और हम हाथ से खाना प्रेफर करते हैं जो यूजुअली इंडियंस खाते हैं। सब माइट फील कि या ऐसे नहीं खाना चाहिए, बट हमें तो मटन राइस हाथ से ही पसंद है। सो दिस इज आवर सैलेड एंड दिस इज मटन राइस। सो सी यू गाइज आफ्टर वी कंप्लीट दिस। सो गाइज, हम मटन चावल खाने के बाद ऐसा ज़्यादा सोए, हम 3 बजे सोए हैं और अब हम 5:30-6 बजे उठे हैं जब दीदी आई हैं काम करने के लिए, और अब हम पी रहे हैं अपनी चाय। आज में कुछ हुआ नहीं ज़्यादा यार, मैं क्या बताऊँ आपको। और आज हम पी रहे हैं ये, ओ आई मीन खा रहे हैं, सॉरी, ये चिप्स। इतना आलस आ रहा है ना भाई, और ये बारिश ने ऐसा मूड फ्लॉप कर दिया, इतना फ्लॉप कर दिया। अभी हम सोच रहे थे आज हम जाएंगे मजनू टीला टू ईट समथिंग गुड, बट अब मन नहीं कर रहा यार, मुझे तो इतनी नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि तकनी क्या मिल गया अब, लेकिन रात को नहीं आएगी, पॉइंट ये है। चलो देखते हैं फिर क्या करते हैं। एवरीबॉडी, अभी हम बनाने जा रहे हैं मोमोज, क्योंकि मेरी सिस्टर आ रही है और शी सेड कि कुछ टेस्टी सा बनाइए। तो हम कल रेडीमेड लोमाश से मोमोज लेके आए थे, आई एम गोना शो यू, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको कभी भी मोमोज मंगाने हो रेडीमेड और आपको बहुत क्रेविंग हो रही हो, तो आप ये पैकेट मंगा के रख लो और अपने फ्रीजर में रख दो। सो दीज आर लाइक क्या बोलते हैं यार इन्हें, रेडी टू मेक वाले मोमोज, बस इनको स्टीम करना था एंड दैट्स इट, एंड यू आर गुड टू गो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कौन से वाले। सो ये है मोमोज वाला पैकेट, और मेरी इसमें ना कुछ थोड़ी सी देसी टेक्निक है इसको यूज़ करने की। सो ये रहा पतीला, ये रही इसमें से भाप निकलती है, और मैं इसके ऊपर बस मोमोज रख देती हूँ, दैट्स इट। टाइम है अब मोमोज को चेक करने का। ओ यार क्या बढ़िया लग रहा है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बाकी यार ये टेस्ट में तो ज़बरदस्त है ही। हो गए हैं इनको, बस थोड़ा सा मैंने ढक दिया है। आज मैं नहाई थोड़ी सी लग रही हूँ ना, थोड़ी सी मतलब आई मीन थोड़ी सी, अरे क्या बोलते हैं वो लोग आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ा सा कुछ मोमोज वोमोज बना दूँ। और बाकी हमने मॉर्निंग में सैंडविच खाया था, हम एक रांच लेके आए थे, इफ़ एनीबडी इज इंटरेस्टेड कि गार्लिक रांच कौन सा अच्छा है। सो ये हम लाए थे, सॉरी वीबा का, इट इज़ टू गुड, हमें तो मतलब अच्छा लगा था, बाकी आप लोगों के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कैसा था कैसे नहीं है। बाकी आपको मैं कैचअप करती हूँ थोड़ी देर बाद, आज मैं बनाऊँगी तोरी की सब्जी, नो स्पेशल डिशेस, ठीक है। सो मिलती हूँ फिर मैं आपको बाद में। अभी ये मोमोज ऑलरेडी डन हो चुके हैं, और क्या करना है मुझे, हाँ और कुछ नहीं, बाकी यार कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, वड़ा पाव मंगवाया था हमने, बट शायद अभी बारिश के चक्कर में डिलीवरी बॉय थोड़ा सा लेट है जोमैटो का। गाइस अभी मैं कुछ आपको दिखाती हूँ, देयर समथिंग रियली गुड, लुक एट दिस, इज इट फन। मेहमान जा चुके हैं और आज मेरी अनफॉर्चुनेटली फ्रेंच क्लास जो थी वो भी कैंसिल हो चुकी है, और कुछ ज़्यादा डिनर के लिए मन नहीं था खाने का। सो दीपक हैड सम चिप्स एंड ऑल, तो उसका भी कुछ ज़्यादा मन नहीं था, वो वाइन में थोड़ा सा खो गया था। एंड मैं खा रही हूँ उपमा, जो कि रेडीमेड उपमा है। आई हैव नो फील्स कि मैं दोबारा जाऊँ और खाना बनाऊँ, सो इसलिए आई डिसाइडेड कि यही खा लेते हैं। आज कुछ यार खास करा नहीं यार पूरे दिन में, वी वर जस्ट रिलैक्सिंग एंड चिलिंग,
आज हमारे बहुत प्लान्स थे कि हम थोड़ा सा बेक करेंगे, मे बी ब्राउनी या समथिंग, बट कुछ हुआ नहीं. सो कल मंडे है यार, कल से फिर दोबारा वही चीज़ें शुरू हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट हैज़ नथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस, बट जस्ट माई रूटीन लाइफ और यू कैन से माई वीकेंड लाइफ, जिसमें हम पूरे अच्छी तरीके से जीते. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, और मे बी यू कैन कमेंट इफ़ यू हैव एनी सजेशंस. सो सी यू गाइज सून.